हो गया है गरम सरसों और ये कड़ी पत्ता चटक जाए अपने डालेंगे आलू, बच्चों के फेवरेट आलू बन गया सुबह सुबह। थोड़ी सी हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची और नमक, ये वाले आलू हैं बच्चों के फेवरेट। बाकी किसी भी सब्जी में आलू डालो, नहीं खाते, ये वाले आलू बनाओ, दोनों खुश होकर खाते हैं। तो बन गए हैं इसके आलू। और ये जो ज़्यादा पकाए जाते हैं ना, ये सन्नी की फरमाइश पे उसको रहता है, इसको थोड़ा सा और काला सा करो, थोड़ा काला सा करो। आज का वेदर देखो, 24 फेब हो गई है और इतनी फॉग है, बहुत फॉग थी सुबह बहुत ज़्यादा, और अभी भी देखो 8:30 हो गए हैं और फुल फॉग है, पता नहीं वेदर को क्या ही हो गया है। फ्रेंड्स वेलकम इन न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप? अभी अभी सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजा और वेदर मैंने आपको दिखाई दिया है, और सामने देख रहे होंगे मेरा बेड भी अभी ठीक हुआ है, ब्लैंकेट भी एज इट इज़ गिरा हुआ है, तो सब कुछ समेटती हूँ और फिर मिलती हूँ। अभी तो किचन भी समेटना है, अभी तो उनको बस स्कूल भेजा है। तो सुबह सुबह बड़ा भाग दौड़ होती है, किसी को कैसा दूध चाहिए, किसी को कैसा चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ओहो टावल नहीं मिल रहा, वो टाई नहीं मिल रही, बेल्ट नहीं मिल रही, तो ये सब तो सुबह के काम है ही हमारे, ये कितनी चीज़ें उठा उठा के रखनी है। तो हर रूम में यही हाल मिलेगा, जा जा के सारा सही करना पड़ेगा। सारे रूम्स तो मैंने कर दिए हैं अच्छे से, बट लिविंग रूम और ये डाइनिंग एरिया मैं करूँगी बाद में, उससे पहले कुछ खाती हूँ। बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स का बड़े वाला पैकेट ले आई थी और जब से रखा ही है। किचन रोल खत्म हो गए, लगाएंगे और कुछ टिश्यू भी। खाने में लेट हो गए ना, वो आंटी आ गए थे, बहुत लेट हो गए हैं, केक बज गया है। मैंने बना लिया है रायता, बर्तन साफ हो गए हैं, किचन साफ मम्मी ने कर दिया था काउंटर टॉप, और सारे बर्तन मैं कर आई हूँ, बहुत आज तो बहुत लेट हो गए हैं, और 2 ही बज गए हैं अब तो, और बस अब थोड़ी देर बाद बच्चों को स्कूल से लेके आऊँगा था। मैंने सुबह ही सोच रखा था, वो था सबसे ज़रूरी काम मेरा, कि मैं सोफे के ये कवर, कुशन कवर वगैरह चेंज कर रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, ये विंटर वाले कुशन कवर ही डाले हुए हैं जो मैंने खुद बनाया था, ये सॉरी विंटर वाला ही ये सोफ़ा कवर डाला हुआ है जो मैंने खुद से इसको DIY किया था, टैसल्स वगैरह लगाई थी इसके, और बहुत अच्छा लगता है विंटर में ना। काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों ने पूछा कि सोफ़ा कवर कहाँ से लिए थे, तो अच्छा लगता है। और बस आज ये चेंज करने हैं, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो गया, काफ़ी दिन भी हो गए हैं, इनको हटाएंगे, वॉश करेंगे, दूसरे डालेंगे, तभी तो कुछ न्यू सा लगेगा ना। तो अपना चेंज कर, मूड भी चेंज होगा, घर भी चेंज होगा, कुछ चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, पर उससे पहले 15 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर बच्चों को लेने चलेंगे। मैं भी स्कूल होके आई हूँ ना, सेम यूनिफॉर्म डाली हुई है मम्मा ने,
हम चाचा स्कूल जा रहे हैं, पर इसने मुझे अपना बैग भी मुझे दे दिया। मुझे दोनों बैग लेके आने पड़ते हैं, एक बैग मेरा और एक बैग माही का। मैं बड़ी हूँ ना, इसलिए मुझे दोनों बैग लाने पड़ते हैं। और ये अपना बैग भी मेरे को देता है। ये देखो, मैं दो दो बैग लेके स्कूल गया था। सही में सेम यूनिफॉर्म वाला ही कलर है ना। इसने मंगवाए थे शूज, कैसे लगे? कह रहा है पिंक है। पिंक है ये रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? पिंक है। उस पे अगर पिंक लिखा है तो तुम्हें देखने से पता लग रहा होगा ना ये कहाँ से पिंक है ये कलर, मुझे ये बता दो। ये रेड कलर है। पेन के साइज देख लो बस तुम, कलर वो देखो, वो मेरा रेड है ना कुशन कवर, सेम कलर है ना? बिल्कुल वैसा नहीं है, बस हल्का सा पिंक दिख रहा है। जी नहीं, एक्सचेंज करो। इट्स रेड। और तुम भैया आते क्यों शुरू हो गए हो? अच्छा, सीधा बैठा था ना स्कूल में बहुत देर तक, तो आते ही अब उल्टा। साइज कैसा है? साइज तो सही है। बस तो शूज भी सही है। नहीं, शूज सही नहीं। जैनब से पूछा भव्य क्यों नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो उसका पड़ोसी है। तो क्या, तो जैनब बोला मैम 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 मैम, और पूरा पूरा पीरियड निकल गया मैम मैम मैम। उसकी मम्मा, उसकी मम्मा, उसकी मम्मा, उसकी मम्मा, उसकी मम्मा, इतनी देर से इतनी बार हो, इसकी मम्मा, उसकी मम्मा, उसको उसको उसको। एक हाथ में कैमरा और दूसरे हाथ से टिफिन खोलोगे तो यही होगा ना उसको। बाय बाय। तो अब हम फिर से फ्री हैं एक घंटे के लिए, तो अब जो मेरा काम था ना मैं वो करती हूँ। और वो क्या है, थोड़ा सा चेंज लाते हैं। चलो जी, यहाँ पे हमारे हैं सारे कुशंस कवर और कुछ एक सोफ़ा कवर है और बाकी उधर रखे हैं। तो मैं कौन से सोफ़ा कवर डालने वाली हूँ आज? हम डालेंगे ये वाले, नहीं दूसरे वाले। कहां से इनके गन की बुलेट्स निकल रही है ना दोनों की। टेबल को पूरा खाली रखेंगे, बस एक यही रखेंगे और अच्छा लग रहा है इससे। हो गया लिविंग रूम नया नया सा, बस एक बार डस्टिंग कर देती हूँ अच्छे से। पूरा थोड़ा चेंज करते हैं। पूरा खाली रखेंगे। यहाँ हम रखे हैं अपने बुद्धा जी, यहाँ पे हम फ्लावर डालेंगे और इसको जब हम ऑन करेंगे तो बुद्धा जी
बहुत सुंदर लगेंगे। और सनी ने फाइनली ये शूज ले ही लिए हैं। पहले तो बोल रहा था पिंक है बट ये रेड है। क्या ये पिंक है? रेड है, उसमें भी लिखा है। उसमें क्या लिखा है? बट देखो कहाँ से पिंक लग रहा है, रेड है, रेडिश है। मैं अब तसल्ली से पीऊंगी चाय। कुछ नया नया सा अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है। ये सब चेंज करके हमेशा मुझे अच्छा लगता है ये, बट इस बार काफ़ी टाइम में कर रहा है। ठंड इतनी थी, क्या करें, बट अब अच्छा लग रहा है। यहाँ बैठ के चाय पीने में भी मज़ा आ रहा है। तो मुझे ना कर्टन्स भी चेंज करने हैं, बट वो थोड़े टाइम बाद करूँगी। थोड़ा बहुत और इसमें चेंज करूँगी ना, उसके बाद करूँगी। और अब तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग का टाइम आ ही गया है, क्योंकि होली भी आएगी तो होली वाली सफाई तो शुरू करनी ही है ना। तो अभी और थोड़े 10 दिन और ठीक हो जाता है टाइम। अभी थोड़ी सी आज फिट से ठंड है, सुबह कितनी फोक थी ना, तो मौसम यूँ पलटी मारता रहता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है, ये पलटी मारता रहता है। और अब जो डाइनिंग है इस पर भी बहुत टाइम से कवर नहीं डाला हुआ, कवर डाल देती हूँ, उसको भी क्लीन कर देती हूँ, फिर कुछ नया नया लगेगा डाइनिंग और लिविंग दोनों। और ये वाले फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लग रहा है वेदर चेंज हो रहा है, घर भी थोड़ा चेंज होना चाहिए और हमारे रूटीन में भी थोड़ा चेंज आना चाहिए, वरना मौसम बदलने का फायदा ही क्या। तो जो मैंने चेंजेस किए मैं दिखाऊं आपको, चलिए दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने रखा है बहुत ही सिंपल सा, कि कोई कई बार आते हैं तो सामान रखना होता है ना, ऐसे ही कहीं जा रही हूँ शूज़ पहनने होते हैं तो ये खाली ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमने फ्लावर लगा दिए और ये बहुत सिंपल सा रखा है। ये रनर चेंज कर दिया है, थीम के अकॉर्डिंग हमने रखा है कुछ ब्लू और पिंक वाला। और हमने अपना जो डोरमेट है ये भी चेंज कर दिया है। उसके बाद कारपेट चेंज किया, कुशन कवर, सोफ़ा कवर्स, और यहाँ पे बुद्धा जी रखे। पहले यहाँ पे वो फ्लावर्स थे ना, यहाँ पे ये लर्टन जो है ये हैंकरी है, बाकी बस वैसा का वैसा ही है ये सारा हमारा। थोड़ा सा ये चेंज किए हैं बस, और बाकी तो इसी से चेंज कलर चेंज हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे हमने अपना ये सिंपल सा ये रख दिया टेबल पे, सिंपल सा। और ये देखिएगा पिंक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। ये कुशन कवर जो है ये वाले मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, ये ना अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा लुक चेंज हो गया है, थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए हैं, बाकी फिर देखते हैं। लिविंग रूम अच्छा लग रहा है, यस लाइक इट। एंड यहाँ पे हमने सेम इधर भी चेंजेस कर दिया, थोड़ा सा इस पर कवर डाल दिया, बहुत दिन हो गए कवर नहीं डाला था। और यहाँ पे ये वाले फ्लावर्स रख दिए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। सो बस आज के लिए इतना ही।